खुशी देखो आप लोग, कितना खुश देख सकते हो। धूप देखो लड्डू रोज रोज नहीं हरकत है सीख रहा। अभी लड्डू के पापा आ गए तो देखना। और आज मेरे को जाना है एम्ब्रॉयडरी क्लास में। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह रेडी हो रखी हूँ और आज मेरे को जाना है एम्ब्रॉयडरी क्लास में, जिसमें मेरा नाम है। तो आज जाना पड़ेगा, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि नाम है। सो वो लड्डू के पापा अभी ले निकले आ रहे हैं और 10 बज गया। और लड्डू की ऐसी हरकत है भाई, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे को रेडी होते होते ऐसी हालत ख़राब हो गई। सो गाइज, यहाँ पर ना एम्ब्रॉयडरी सिखा रहे थे, देख सकते हो आप लोग। बहुत सारी लेडीज़ थी जो कि सीख रही थी मेरी तरह, तो थोड़ा बहुत मैंने भी सीखा। और यहाँ ना और क्लासेस भी चल रही थी, जैसे कि यहाँ पे सिलाई की क्लास चल रही थी, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टिचिंग की क्लास भी चल रही थी। लेकिन लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सो गाइज, अभी ना मैं घर वापस आ गई हूँ क्योंकि लड्डू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। वह बहुत ज़्यादा, मतलब उसको उसके नींद आने का टाइम हो रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है नींद आने का टाइम हो रहा था, तो उठ ही नहीं रहा था, रह ही नहीं रहा था। सो फिर मैंने लड्डू के पापा को कॉल किया कि आ जाओ करके, लेके चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ नाम डाल दिया था ना, इसलिए जाना ज़रूरी था, नहीं तो मैं किसी भी हालत में नहीं जाती। आज चले गई तो वहाँ नाम वाम थोड़ा लिखवा लिया। सो इतने छोटे बेबी के साथ तो मतलब बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं पाता है कि वहाँ पर रहें। तो ये 2 मिनट, मतलब 2 मिनट भी नहीं बैठा, तो लगभग थोड़ी बहुत मैंने सीखी ऐसे ही, मतलब कि करना है करके, अगर चले गए तो कुछ तो सीखना चाहिए ना, इसीलिए मैंने सीख लिया। तो मेरा काम वाम भी सारा वैसा ही रह गया है। अभी लड्डू आया घर में और फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया जोर जोर से। सो उसके बाद मेरे को बड़ी टेंशन होगी क्यों रोने लगा, क्योंकि रोता नहीं ऐसे, शायद उसके पेट वेट दर्द हो रहा था इसलिए रो रहा था। तो अभी मेरे को काम करना है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ ही करना है अभी। फिर लड्डू के पापा आ जाएंगे, खाना भी बनाना है। 12 बज गया यार, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोग रोज़ मेरे ब्लॉग में यही देखते होंगे, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सच में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो टाइम होता था, मतलब मेरा दिन काटा 1 बजे तक का टाइम निकालना इतना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि मेरे को पता नहीं चलता है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। बेबी के साथ ऐसा ही होता है। और काम कुछ भी नहीं हुआ सुबह, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लूँगी, फिर आने के बाद नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने लड्डू की मालिश और उसको नहलाना था उसी टाइम कर दिया था। अब मेरा बचा है, मैं झाड़ू लगा के गई हूँ, पोछा बचा है, खाना बनाना बचा है और कपड़े धोना बचा है, 3 काम और बचे हैं। उस टाइम से ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, इधर देख सकते हो आप लोग, इतनी तेज़ धूप आ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है अभी। देखो लड्डू रोज रोज नहीं हरकत है सीख रहा। अभी लड्डू के पापा आ गए तो देखना है, ये जूस पीने के लिए गिलास में, अभी कुछ नहीं करेगा, अब देखना है इसको जैसे गिलास मुँह में लगाओगे। क्या कर रहा है लड्डू, क्या कर रहा है? जूस नहीं पी रहा है बस। तो गाइज, अभी आ गए लड्डू के पापा और मेरा बस दाल में तड़का लगाना बचा है। मैंने दाल चावल तो उबाल दिया था क्योंकि फिर लड्डू उठा तो रोने लगा था इस वजह से। और कोई कह रहा था ना कि ये जूस कैसे बनाते हैं मौसमी का, तो मौसमी होते हैं ना उनको हम लेके आते हैं, मतलब अपने मतलब पेड़ से तोड़ के लेके आते हैं दुकान में, तो वो लोग जूस बनाते हैं। जूस मतलब इस टाइप का बनाते हैं यार, तो जूस निकालते हैं फिर उसमें केमिकल डालते हैं और शुगर वगैरह जूस भी डालते हैं, थोड़ा सा जूस डालना पड़ता है और ऊपर से पानी मिला लो, मतलब इतने से जूस से हम 1 गिलास पानी पी सकते हैं, जैसे ग्लूकोन डी वगैरह पीते हैं, तो पता चल गया होगा आपको। सो गाइज, दाल बन के रेडी है और चावल भी बन गया है और सलाद भी कट गया है, चावल भी बन गया है, बस अब मैं खाना वाना लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। क्योंकि 1:30 बज गया है, सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट ऐसे ही किया था बस, तो ब्रेड खा लिए थे जल्दीबाजी में और इन्होंने भी बस एक ही रोटी खाई थी। तो अभी मैं लंच वगैरह लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ। अभी लड्डू थोड़ी देर खेल रहा है, पता नहीं कितनी देर खेलेगा, क्योंकि खाना देखते ही वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसको मैं सेब और दही मिला के खिला दूँगी, क्योंकि अभी नहीं खिलाया क्योंकि वो अभी तक उठा था, फिर मैं काम में ही रह गई। और दाल भी निकाली है उसके लिए बिना मिर्ची वाली, दाल तो बाद में खिला लूँगी, तो मिलती हूँ यार थोड़ी देर में। सो गाइस, शाम के 6 बज गए, फायरवर्ड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए सोई थी, लेकिन लड्डू उठा हुआ था, उसने लात मार मार के, गुस्से मार मार के उठ गया।
और मुझे भी उठा दिया। और अभी जब मैं उठी तो अपना सो गया। तो आज मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, देख सकते हो इतना पसीना पसीना हो रहा है पूरे चेहरे पे। तो मैं सोच रही हूँ अगर लड्डू उठेगा तो उसको वॉक पे ले जाऊँगी। अभी मेरे को डिनर विनर की भी तैयारी करनी है, लेकिन ना गर्मियों में वर्कआउट करना ईजी नहीं है भाई, इतनी हालत ख़राब हो रही है। आज मैंने बहुत दिनों बाद की है, मतलब कि पिछले हफ्ते से मैं इस हफ्ते करूँगी, मैं आज करूँगी कल करूँगी करके, और मेरा पूरा काजल भी फैल गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो मैं वहाँ गई थी तो लगाया था, नहीं तो घर में तो मैं बिल्कुल नॉर्मली रहती हूँ। सो मेकअप वेकअप तो मैंने सब निकाल ही दिया, मेकअप तो मैं क्या ही करती हूँ। और तो ये काजल वाजल रह ही जाता है आँखों में, ये निकलने में टाइम लगता है। और डिनर का भी सोचती हूँ क्या बनाऊँ करके। अभी अभी भी बहुत गर्मी है, 6 बज गए हैं, शाम की धूप नहीं गई, इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी, मतलब कि अभी तो जून का महीना चल रहा है, लेकिन अब पिछली बार 12 जून से यहाँ गर्मी नहीं हुई थी। 12 जून के बाद यहाँ कूलर वगैरह नहीं चले थे क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इस बार तो मई में ही बारिश, मतलब अभी 20-25 मई से यहाँ गर्मी पड़ी हुई है। देख सकते हो धूप 6:15 बजे हुए अभी, और धूप अभी तक नहीं गई है, तो कितनी गर्मी हो रही होगी आप समझ सकते हो। मॉर्निंग में समझ लो कितने बजे धूप आ जाती है इधर, 6:30 बजे, नहीं 6 बजे हमारी खिड़की से धूप आ जाती है। और देखो शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी तक धूप नहीं गई है। तो गर्मी मतलब रात को ठंडा कब से शुरू होता है बताऊँ, 3 या 4 बजे से, और 6 बजे से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने फिर से बेड शीट हटा दी है। अभी ऐसा हो रहा है ना, एक दिन से ज़्यादा बेड शीट नहीं चल रही है, जब से लड्डू को मैंने डायपर लगाना छोड़ दिया ना, कसम से कह रही हूँ मैं रोज़ बेड शीट ही धोने में हूँ। तो अभी भी मैं सोई थी जैसे ही नीचे भी बेड शीट हटानी पड़ रही है, ऊपर भी, तो इसने पूरा गीला 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 मतलब कि गंदा भी कर दिया और गीला भी कर दिया। सो क्या कहते हैं, मैं तो सोई थी, लात मार रहा है, तो देखा तो पूरा गंदा ही गंदा, यानी कि उसने सुस्तू और पॉटी दोनों साथ में कर ली थी। फिर उसको हटा के ले गई मैं चादर वादर, तो ऐसा ही हो रहा है, हर दिन चादर धोनी पड़ती है अभी इधर। सो गाइस डिनर बन के रेडी है। आज मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, पर मैं धनिया इतना भर भर के डाल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वेस्ट हो, इसीलिए। तो पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी है और रोटी भी मैंने बना ली है। तो 8:30 भी बजी गए हैं, डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम लोग वॉक पे। गाइज अभी ना लड्डू को रेडी कर रहे हैं लड्डू के पापा, और मैं फटाफट बटन में हिस्सा ले रही हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे वॉक पे। ये मेरा फेवरेट टाइम है वॉक वाला, क्योंकि टाइम पे थोड़ा घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और थोड़ा दिमाग शांत हो जाता है बाहर निकलने, क्योंकि अंदर ही अंदर इतनी गर्मी है घुटन होती है, तो कैमरे का एंगल वेंगल ना सही नहीं हो रहा है। किचन क्लीन करती हूँ। सुना, सुन रहे हो? लड्डू को तैयार कर देना। जब किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया, बर्तन भी धुल गए, सब हो गया, अभी हम लोग जाते हैं। मिक्सी रखनी है अंदर, एक तो लड्डू के पापा ने तैयार किया। अभी लड्डू और लड्डू के पापा तो नीचे चले गए हैं, तो अभी मैं भी जाती हूँ नीचे को, और डॉगीज के लिए खाना बचा है जो कि मैं अभी दे दूँगी उनको। घुम्मी घुम्मी करते ही देखो इसके चेहरे की खुशी, इसके चेहरे की खुशी देखो आप लोग, कितना खुश होता है ये खुशी। पर सब पूर्णिमा थी तो चांद भी होगा आज, तो यहाँ तेंदुए का कह रहा है आजकल मैं वालू, तो यहाँ तेंदुए का कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम इस जगह पे चल रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये लोग तेंदुआ करते हैं और रात को चल रहे हैं। हम लड्डू के पापा डर के मारे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तेंदुए का वो भी ना आए, तेंदुआ का तें भी ना आए। क्यों? वहाँ भी जंगल है, तो ऊपर को जाएंगे फिर हम लोग, तो उस गाइस आगे को जंगल है, तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे अभी। थोड़ी सी आवाज़ में इतना डर जाता है।
क्या आप लोगों का बेबी भी ऐसे डरता है क्या? कमेंट करके बताना मुझे यार, ये तो इतना डरता है, कल इतनी जोर जोर से रोने लग गया था वहाँ पे थोड़ी सी मिक्सी की आवाज़ में। वो देखो अपने पापा को सुला रहा है। हैं देखो, लेकिन लड्डू के पापा थक गए और लड्डू को मेरे को पकड़ा दिया, देख सकते हो इतना नारी के ऊपर जुर्म हो रहा है। जुर्म क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ ना, क्या बोलते हैं जुर्म, क्या बोलते हैं जुम्र, बोल क्या बोल जुर्म। सो गाइस अभी हम लोग पार्क में पहुंच गए हैं, मतलब यहाँ से लाइट नहीं आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो अभी लड्डू को झूला झुलाएंगे, थोड़ी देर बैठे हैं, बहुत थकान लग गई यार चलते चलते सच में। वो नहीं कर रहा है यहाँ पे बैठ के अपने झूले में बैठने का। लड्डू बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है लेकिन मच्छर ऐसे काट रहे हैं, अंदर जाओ तो गर्मी लगती है, बाहर आओ तो मच्छर काटते हैं। आजकल कुछ ज़्यादा ही मच्छर हो गए हैं, है ना? आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, जब बारिश हो रही थी तब कम हो गए थे मच्छर, बारिश में ज़्यादा होते हैं, होते हैं लेकिन मेरे को आजकल ज़्यादा काट रहे हैं। अब मेरे को जब काटेंगे मैं तो अभी बोलूँगी ना, क्योंकि मेरा फोन ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव वालों को ज़्यादा काटते हैं बल मच्छर, आपको ये बात पता ही नहीं। देखो गाइस कैसे इग्नोर कर रहे हैं, हमने ऐसा चेहरा देखा है किसी का, वो देखो वो उसको देखो, नहीं नहीं कह रहा है क्या है भाई, क्या ये अब क्या सीख दिया इसने अभी अभी, ये हर दिन नई नई चीजें सीख रहा है। कहाँ जाना है लड्डू? नहीं मैं आज यहीं बैठने वाली हूँ, मन कर रहा है यहीं पे बैठने। इनके इसलिए पानी छिड़कते रहते हैं सब लोग। छिड़क क्यों आती होगी धूल वहाँ पे ज्यादा? क्यों छिड़क रहे फिर पानी? इनकी इच्छा हो रही होगी। तो देख सकते हो कितना मतलब रेत में ऐसे उबल खुबल कर रहा है। तो डॉगी दिख नहीं, दिख तो रहा होगा वैसे भी। चलो लड्डू झूला झूलते हैं, चलो 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 चलो। नहीं आ रहा हमारा क्वार्टर में, आया अभी सीढ़ियों में तो ऐसे पैर पड़ लेंगे ना। मैं एक मिनट अपना झूला झूल के आऊँ, तुम मेरे को झूला नहीं दे रहे, करना है। जब वॉकिंग वगैरह करके हम लोग आ गए घर, वन ml पिला दी ना। हाँ। तो अभी बस लड्डू को दवाई पिलानी है, वन मतलब 0.25 दो टाइम पिला। हाँ मम्मा ले ले ले। पहले दवाई पियो, दवाई पियो फिर निन्नू निन्नू करोगे।